मंदिर पहुंचे बंदी सिंह की रिहाई के लिए, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, बहुत बड़ा अन्याय है। इनमें जो 9 लोग हैं, जो 9 बंदी सिंह हैं, एक 1990 से बंद है, 7 लोग 1995 से बंद है और एक साथी 1997 से बंद है। अब आप लगाइए कि एक को 25 साल, जो बाकी और हैं उनको 27 साल, 7 लोगों को, और एक व्यक्ति को 32 साल हो गए। मतलब कोई सीमा भी होती है, और अभी तक उनके खिलाफ आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, मुकदमा अभी चल रहा है, कब तक लेके जाएंगे आप मुकदमों को? एक बात सोचिए जरा कि कल वो लोग मुकदमे में बरी हो जाएं, तो ये जो उनके 25 साल, 27 साल, 32 साल जेल में गुजरे हैं, उनके परिवारों ने जो भुगता है, जो अपमान समाज में होता है कि एक व्यक्ति अपराध में बंद है, उसका दंड कौन भुगतेगा? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी? कौन मुआवजा देगा? जबकि कानून कहता है, आप अगर देखें संविधान को पढ़ें, तो पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। अगर नहीं पेश करेगी तो इल्लीगल कस्टडी हो जाएगी, गैरकानूनी जो कस्टडी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर 90 दिन या जैसे भी कानून की व्यवस्था है 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं की जाएगी तो टेक्निकल ग्राउंड पर उसको छोड़ा जाएगा, वो गैरकानूनी उसकी जो है कस्टडी हो जाएगी। और यहाँ 25 साल से लेकर 32 साल तक लोगों को जेल में बंद किया हुआ, अन्याय की कोई सीमा है? क्या ये अदालतों को दिखाई नहीं देता? क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए? क्या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनानी चाहिए ताकि जिसकी सारी जो सजा वगैरह है उसके हिसाब से उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए जैसे वो खत्म हो जाए? लेकिन सवाल आपको ये बनता है कि जगतार सिंह जी पे सिटिंग सीएम की हत्या करने का आरोप है, यदि कारण कोई भी रहा हो, क्या हत्या एक सलूशन है? क्या कारण कुछ भी हो, हत्या ठीक है क्या? आरोप सिद्ध हुआ है क्या? अभी जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है? नहीं, आप यही कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के, बोला मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आरोप, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या आरोप सिद्ध हुआ? आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कानून हमारा कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाए, वो एक व्यक्ति के में कोई फर्क नहीं पड़ता है, करता है वो कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और अभी श्री जगतार सिंह हवारा साहब पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कानून आगे ये भी कहता है कि जब तक सिद्ध ना हो हर व्यक्ति निर्दोष है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कानून ही कह रहा है, संविधान ही कह रहा है, कोर्ट जिस पर चलती है, और कोर्ट कहती भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल इज अ रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना एक नियम है और बेल को मना करना ये एक अपवाद है। बावजूद उसके आप 27 साल में नहीं दे रहे, आप जाके वहां से उनका वही मंगा लीजिए कि उनका व्यवहार कैसा है, और अगर आप जेल मैनुअल के तहत इस सबको जो है अकाउंट करोगे तो उसके हिसाब से तो इनकी सजा, जिनको 25 साल की सजा जो काट चुके हैं, वो सजा 35 साल से भी ज्यादा होगी जेल मैनुअल के हिसाब से। आप देखो उसे जरा पढ़ के, क्योंकि उसमें जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में, दिन और रात काउंट होते हैं, तो इसी तरह से, और दिन और रात काउंट होने का मतलब यह है अगर एक साल कोई व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है तो लगभग मानिए कि 3 महीने और उसमें जोड़ जाते हैं, यानी उसने एक साल के हिसाब से वो 15 महीने की सजा उसने काट ली है। यह है कानून। जिस तरह से बिल्कुल बानो के 11 दोषियों पे रहा किया गया, उससे पहले सांसद प्रज्ञा ठाकुर पे रहा किया गया, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये भेदभाव है भाई, उसी के संबंध में ये सारी चीजें हैं कि एक तरफ आप ऐसे अपराधी को रिहा कर रहे हो जो बाकायदा बम अटैक में, बम के हमले में अपराधी, और उस पर जब सारी चीजें हो गई, जब मुकदमा चल रहा है, उसके बाद उस टाडा के केस जो उसको खत्म किया जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर उसको एमपी बनाया जाता है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ वो हैं वो लोग, 11 लोग हैं जिन्होंने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ में सरेआम गैंग रेप किया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की, 3 साल की बच्ची को पूरी तरह से मारा, उनको आपने छोड़ दिया, कह रहे हैं कि आप उनका व्यवहार अच्छा है, तो आप आपने जगतार सिंह हवारा साहब का व्यवहार देखा है? वहां हर कोई व्यक्ति जेल में उनको सम्मान देता है, उनकी बात को माना जाता है, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, तो अगर व्यवहार से काउंट करते हो तो उन्हें क्यों नहीं छोड़े हो?
जाति और धर्म से कोई संस्कारी नहीं होता। संस्कारी होता है अपनी शिक्षा से, अपने संस्कार से, अपने आचरण से, और वो सामने दिखता है। और ये जाति और इससे जो साफ ही बात हो रही है कि इस देश में कहने के लिए संविधान है, कहने के लिए कानून है, लेकिन जो लागू हो रहा है वो मनुवादी कानून ही लागू हो रहा है। तभी ब्राह्मण की बात आई। मैं आपको दिखा सकता हूं इतने ब्राह्मण जो अपराध में जिनका कोई मुकाबला नहीं है। आप सब भूले तो नहीं होंगे जब एनकाउंटर हुआ था उसका, विकास दुबे का, कितनी सारी चीजें सामने आई। तो आप इसे कैसे देखेंगे? कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म से संस्कारी नहीं होता। संस्कारी होता है अपने अच्छे गुणों से, संस्कारी होता है वो शिक्षा से, और संस्कारी होता है अपने आचरण से, अपने चरित्र से। आपने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या कानून में प्रावधान है कि आरोप सिद्ध नहीं हो तो इतनी लंबी भाई बिल्कुल कैसे ले जाएंगे आप भाई? कम से कम बेल तो दे सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि बेल इज रूल, तो आप और भाई जब होगा होता रहेगा मुकदमा। आप 27 साल हो गए, 32 साल और चलाओ आप 27 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदमी को आप बेल तो दें, आप कम से कम बेल पर तो रिहा करें, क्योंकि आप ही कहते हैं कि जब तक सिद्ध ना हो जाए हर व्यक्ति निर्दोष है। तो हम तो कानून की बात कर रहे हैं ना, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा। यहाँ पे सिर्फ संविधान ईमानदारी से लागू हो, संविधान के तहत कानून काम हो, सिर्फ इसी बात की मांग हो रही है। सरकार को क्या डर? नहीं, देखिए सरकार के लिए जो डर है वो डर बहुत साफ है। ये जो लड़ाई है या ये जो सारी चीजें, ये राजनीतिक बंदी हैं। एक व्यक्ति, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसको जत्थेदार बनाने के लिए 10 लाख लोग आए हैं, वो अगर ये बात कहते हैं कि ये हमारा जत्थेदार है, उसके प्रति और कितने लोग होंगे? आप समझिए कि मैं तो बहुत साफ कह सकता हूँ, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो पंजाब में उनके अलावा कोई नहीं होगा, सारी सरकारों को सुपड़ा साफ हो जाना, वो जिसको कहेंगे वो। तो ये सब कुछ राजनीतिक और सियासी है। देखिए, हम इंसाफ और बराबरी की मांग कर रहे हैं, जो भारत के संविधान का सोल और रूह है। हम ये कह रहे हैं कि बंदी सिंहों के ऊपर जो इल्ज़ाम है, और जगतार सिंह हवारा साहब, जत्थेदार साहब का तो मैं वकील हूँ, तो मुझे उनके ऊपर इल्ज़ाम का भी पता है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सज़ा नहीं हुई, तो वो कानून की नज़र में अभी तक बेगुनाह है। जिन लोगों को रेप के केस में, छोटी छोटी बच्चियों के रेप के केस में, हज़ारों लोगों को मार देने की साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ाएं हो चुकी है, जिनको राजीव जी को मारने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ा होने के बाद छोड़ा गया है, तो क्या इंसाफ और बराबरी का तकाजा ये नहीं है कि बंदी सिंहों को भी छोड़ा जाए? तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। देश का संविधान ये कहता है, देश का संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो बंदी सिंहों के हक मारी हो रही है, उनके जो हक के हिसाब से उन्हें अभी सबको बाहर होना चाहिए था, वो नहीं है बाहर, तो ये डिमांड एक जायज़ डिमांड है, ये डिमांड संवैधानिक डिमांड है, ये डिमांड ऐसी है कि भारत इससे मजबूत होगा, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ख़ास तौर पे ऐसा नहीं लगना चाहिए। और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कौन सी? सिख कम्युनिटी, जिसने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जिन लोगों ने ज़्यादा जघन्य अपराध किए हैं और जिनके ऊपर अपराध साबित भी हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक से, उन्हें तो छोड़ा जा रहा है सरकार द्वारा, पर सिख लोगों को, जिनके साथ सबकी, पूरी सिख कम्युनिटी की नहीं, हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा मैसेज नहीं जा रहा। पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो जत्थेदार जा साहब पे इल्ज़ाम है, वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने ये किया भी है तो ठीक किया है। जो बेअंत सिंह की हत्या हुई है, वो अगर उन्होंने की भी है तो वो ठीक की है, तो इस पब्लिक परसेप्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं वकील हूँ, संविधान का मानने वाला हूँ, मैं पब्लिक परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये पब्लिक परसेप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। पब्लिक परसेप्शन ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही जगह पे, एक ही स्थिति में दो लोग या दो ग्रुप्स खड़े हैं, तो एक ग्रुप के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस पर पब्लिक परसेप्शन को होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन लोगों को सजाएं दी हैं? नहीं दी, फिर ये जेलों में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह चुका है कि अगर पूरा जो ट्रायल, कानूनी प्रक्रिया है, वो ख़त्म होने के चांस नहीं है,
तो आधी सजा के बाद ही छोड़ देना चाहिए, ये बार बार बात कही जा रही है। जघन्य से जघन्य अपराध हो, जब भी पूरी कानून में सजा हो चुकी है तो छोड़ देना चाहिए, तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? ये है जो सवाल है कि ये उनके बारे में ये पूछा जाना चाहिए सवाल। पब्लिक परसेप्शन किसकी क्या है वो देखिए, ऐसा है कि पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इस बात को कह सकता है, पर हमारा जो सवाल है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो खालिस है, प्योर है, एकदम ऐसा है जो निष्पक्ष है। हम कोई ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं डेवलप करना चाहते जो निष्पक्ष ना हो। ये जो हम बात कर रहे हैं वो निष्पक्ष है, संवैधानिक है, कानूनी है। बाकी जिसको अपनी जो भावनाएं रखनी है वो रखे। कुछ लोग ये भी भावनाएं रखते हैं कि इंसान को इंसान से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये मनुवाद की परसेप्शन है। तो जो मुट्ठी भर लोग मनुवादी हैं वो तो ऐसा भी सोचते हैं, उन सब बातों में हमें नहीं जाना है, बराबरी और इंसाफ की बात करें। आपने 3 महीने कहा है कि इतने लंबे समय से नहीं बाहर आए, तो 3 महीने में कैसे लग रहा है आपको? 3 महीने में देखिए, ये 3 महीने तो मैंने आउटर लिमिट बताई है। अगर ईमानदारी से जो इंसाफ, सच्चाई और हमारे देश का संविधान मानने वाले लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से जो हमारे संविधान ने रास्ता दिखाया है पीसफुल प्रोटेस्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सरकार भी काम ठीक ना करे, तो हमारे संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खास तौर पे कमज़ोर वर्गों को ये रास्ता दिया है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जनता की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी, एक मिनट, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस भी कह चुके हैं कि जनता आगे आए, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करे, मतलब न्याय की रक्षा करे। तो जनता को आगे आना है। जगतार सिंह हवारा साहब जो जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, उनको मानने वाले दुनिया भर में इतने लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से प्रोटेस्ट शुरू करें आज से, तो 3 महीना बहुत लंबी तारीख है, बहुत जल्दी वो सब लोग बंदी सिंह बाहर हैं।